can you please enlighten us with some landmark judgments in the energy sector, in the energy arbitration sector, so that we can understand it better? Subsection 3, Section 2 of Arbitration Act, read with Section 158 of Electricity Act and Section 86 and Section 79 of the Electricity Act. It is absolutely clear that Electricity Act 2003 will override Arbitration Act. फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स एक्ट है 9 उनमें भी जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के रिफॉर्म्स में आर्बिट्रेशन एक्ट के प्रोसीजर्स हैं दैट विल ओवरराइड आर्बिट्रेशन. लेट अस सी व्हाट इज रिटन इन द फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन. आई विल जस्ट रीड आउट व्हाट इज रिटन इन द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट अबाउट फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन. उसमें लिखा है द इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज powers to adjudicate upon disputes between licensees and generating company. And word is important. And to refer any dispute for arbitration. So there are 5 entities in power sector: generation, transmission, distribution, trading and supply of electricity. Ye 5 entities. To usne kya bola hai? Adjudicate upon dispute between licensees. Licensees 4 ho gaye. Transmission, distribution, trading and supply of electricity and generating companies. So, इन पांचों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है, इट कैन बी बिटवीन टू लाइसेंसीज, इट कैन बी बिटवीन जनरेटिंग कंपनी एंड अ लाइसेंसी, इट कैन बी, अगर इन पांचों के बीच में कोई डिस्प्यूट है, इन दैट केस एडजुडिकेट अपॉन डिस्प्यूट द इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन विल एडजुडिकेट अपॉन डिस्प्यूट बिटवीन लाइसेंसी एंड जनरेटिंग कंपनी एंड रेफर एनी डिस्प्यूट फॉर आर्बिट्रेशन. अब ये एंड ने बहुत सारी चैलेंज क्रिएट करे हैं. सो इशू हमेशा हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ये आया है कि ये एंड का क्या मतलब है. हाउ कैन अ रेगुलेटरी कमीशन डिसाइड अ मैटर और फिर एंड करके रेफर कर दे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को. इट शुड बी लाइक सुप्रीम कोर्ट का व्यू ये आया है कि भाई या तो वो डिसाइड कर देगा मैटर को इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन या और रेफर कर देगा और आइदर इट विल रेफर इट टू द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. हाउ कैन इट डू टू थिंग्स. सो वी विल डिस्कस इट अगेन आफ्टर सम टाइम. ऑलराइट, चैलेंज जो नंबर वन चैलेंज ये था कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के पास पावर दे दी है टू रेफर द मैटर टू आर्बिट्रल डिस्प्यूट. सेक्शन 158 में भी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट और अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट अगर आर्बिट्रेशन प्रोवाइडेड है इट विल नॉट बी गवर्न्ड बाय आर्बिट्रेशन एक्ट, इट विल बी गवर्न्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस और गाइडलाइंस मेड अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट. बट आर्बिट्रेशन एक्ट में तो पावर्स तो हाई कोर्ट के पास है आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के पास SR पावर वॉज नॉट हैप्पी विद दिस सिचुएशन एंड ऑब्वियसली क्योंकि देयर वॉज अ चेंज ऑफ लॉ तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था. कुछ केस में लोग पीपल वर अप्रोचिंग हाई कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर. इन सम केसेज द पीपल वर अप्रोचिंग स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर. गुजरात ऊर्जा विकास निगम ने देयर वॉज अ डिस्प्यूट बिटवीन गुजरात ऊर्जा विकास निगम एंड SR पावर इन गुजरात. सो गुजरात ऊर्जा विकास निगम अप्रोच्ड गुजरात इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स. गुजरात इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर्स बट SR पावर वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड हैप्पी. SR पावर का ये कहना था कि भाई हाई कोर्ट्स हैव कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एंड हाई कोर्ट्स यू नो अंडर आर्बिट्रेशन एक्ट ऑल्सो हाई कोर्ट्स हैव पावर्स. सो इट फाइल्ड अ रिट पिटीशन बिफोर हाई कोर्ट गुजरात हाई कोर्ट. फर्स्ट पार्टी वॉज गुजरात ऊर्जा विकास निगम एंड सेकेंड पार्टी वॉज गुजरात इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एंड गुजरात हाईकोर्ट ने दे एक्सेप्टेड द प्लीडिंग्स ऑफ SR पावर एंड देन दे सेड कि भाई ओनली हाईकोर्ट्स हैव पावर्स टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर्स एंड गुजरात इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के पास नहीं है पावर, वो हाईकोर्ट के पास है पावर हमारे. गुजरात ऊर्जा विकास निगम अपील्ड बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट challenging the decision of the high. So it was challenged before and this decision has come in 2008. So 2008 के बाद जो 2003 जब से Electricity Act बना था 2008 तक थोड़ा confusion था पर in 2008 Supreme Court clarified the issues. Supreme Court ने दो चीजें कही. It was a division bench of Supreme Court. Justice Katju was also one of the judges in that division bench. And in fact इसमें लास्ट टाइम ऑल्सो वी डिस्कस कि जो पुराने हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं दे आर वाइडली कोटेड इन दिस जजमेंट एंड इसमें एक प्रिंसिपल्स मीमांसा थ्योरी जो है ट्रेडिशनल बुक्स में एक मीमांसा थ्योरी है जिसमें
सामंजस्य का प्रिंसिपल. तो दैट प्रिंसिपल ऑफ सामंजस्य वॉज कोटेड इन दिस जजमेंट एंड सेड, एंड इट इज सिमिलर टू द प्रिंसिपल ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन. सो दे सेड कि सामंजस्य के प्रिंसिपल को अप्लाई करना चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट और आर्बिट्रेशन एक्ट को दोनों को साथ में अप्लाई करना चाहिए, दोनों को हारमोनियसली कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, दोनों लॉज एप्लीकेबल हैं इन दिस केस, नंबर वन. सेकेंड पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा गुजरात ऊर्जा विकास निगम वर्सेस एसआर पावर में 2008, उन्होंने कहा स्पेशल प्रोविजन विल ओवरराइड जनरल प्रोविजन. सो इफेक्टिवली प्रोविजंस कंटेन्ड इन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स एक्ट 2003, सो गुजरात इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री रीऑर्गेनाइजेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2003 एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 विल ओवरराइड आर्बिट्रेशन एक्ट 1996. All right. Hence, Gujarat Electricity Regulatory Commission is right in appointment of arbitrators and the High Court has no jurisdiction. So once and for all, it was clarified that independent regulatory commissions have full powers of appointment of arbitrators, and in case there is a dispute between any of the five, between the five entities, generation, transmission, distribution, trading and supply of electricity, in all the cases, you have to go to your respective regulator. If it is State Electricity Regulatory Commission, you have to go to State Electricity Regulatory Commission. If it is Joint Electricity Regulatory Commission, you have to approach Joint JERC. If it is CERC, Central Electricity Regulatory Commission, you have to approach CERC. So it was once and for settled that State Electricity Regulatory Commissions have all the powers of appointment of arbitrator. Isme ek aur राज सिंह जी, ये तो बड़ा बढ़िया है कि हम नाउ वी आर ऑल क्लियर दैट इफ देयर इज अ डिस्प्यूट वी विल नॉट गो टू हाई कोर्ट, वी गो टू द रेगुलेटर्स बिकॉज वी आर डीलिंग विद एनर्जी आर्बिट्रेशन. बट सर, मुझे अगर आर्बिट्रेशन अवार्ड चैलेंज करना है या अवार्ड को रिव्यू करना है तो क्या मेरे को हाई कोर्ट जाना पड़ेगा या आई विल गो टू अपेलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज इन नॉर्मल कोर्स अपील्स फ्रॉम इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन. अच्छा, व्हेनेवर आई से इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन, आपको तीन चीजें ध्यान में रखनी चाहिए. आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं अगर कोई बताना चाहता है तो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन इन पावर सेक्टर. सो यू कैन टाइप इट आउट. इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन में की जो अपील जाती है वो अपेलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के पास जाती है, और आर्बिट्रेशन एक्ट में जो अपील जाती है या आपको चैलेंज करना है आर्बिट्रेशन एक्ट सेक्शन 34 में या कहीं भी, देन इट गोज टू द हाई कोर्ट. अब अपॉइंटमेंट की पावर्स तो इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के पास है, लेकिन अगर मुझे रिव्यू फाइल करना है या अपील फाइल करनी है, मैं कहां पे जाऊं? दैट वाज द क्वेश्चन. दिस मैटर केम अप बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन 2014, एंड 2014 में जजमेंट आया, एंड दैट जजमेंट वॉज ऑफ तमिलनाडु जनरेटिंग कंपनी वर्सेज पीपीएन पावर 2014. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने दो तीन चीजें क्लियरिफाई कर, एक चीज तो ये क्लियरिफाई कर दी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी किसी रेगुलेशन की चैलेंज करनी, सो सम रेगुलेटरी कमीशन, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज मेड अ रेगुलेशन एंड द लॉयर्स और द कंपनी थिंक्स दैट इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली, यू नो, इट कैन बी चैलेंज्ड एंड इट इज अल्ट्रा वायस द कॉन्स्टिट्यूशन और द एक्ट. इफ इट हैज टू बी चैलेंज्ड, देन हाई कोर्ट इज द अप्रोप्रिएट ज्यूरिसडिक्शन बिकॉज यू आर चैलेंजिंग द रेगुलेशन. बट ये एक हो गया पीपीएन पावर में डिसीजन. दूसरा डिसीजन ये हुआ, दो पार्टियों से, दूसरा पार्ट ये है कि इन केस अगर रिव्यू फाइल करनी है या अपील फाइल करनी है तो अपील विल गो टू अपेलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो इफ देयर इज अ आर्बिट्रल अवार्ड, यू वांट टू चैलेंज द आर्बिट्रल अवार्ड, यू वांट टू चैलेंज द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, देन यू विल गो टू अपेलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉट टू द हाई कोर्ट. देयर इज अ डिस्टिंक्शन एक्चुअली. सो व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड कि आप उसको डिवाइड कर दीजिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी किसी को चाहिए वेयर ही इज चैलेंजिंग द रूल एंड रेगुलेशन, देन यू चैलेंज इट बिफोर. हाउ कैन यू, जिसने रूल रेगुलेशन बनाए हैं आप उसी के सामने जाके उसके रेगुलेशन कैसे चैलेंज कर सकते? सो दिस वॉज क्लियरिफाइड इन द केस ऑफ तमिलनाडु जनरेटिंग कंपनी वर्सेज पीपीएन पावर इन 2014. सो दूसरा जो इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है वो भी क्लियर हो गया. अब एक क्वेश्चन आता है कि राज सिंह निरंजन जी, यू टेल अस, कैन रेगुलेटरी मैटर्स बी डिसाइडेड बाय आर्बिट्रेटर? अगर कोई लाइसेंसिंग का इशू है या रेगुलेटरी का इशू है, क्या वो आर्बिट्रेटर डिसाइड कर सकते? तो द आंसर इज नो. आर्बिट्रेटर कैन डिसाइड ओनली कमर्शियल इशू.
भाई कोई क्रिमिनल इशू तो डिसाइड नहीं कर सकता ना, या रेगुलेटरी इशू तो डिसाइड नहीं कर सकता आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर तो कैलकुलेशन करेगा। सो यू कैन नॉट आउटसोर्स द फंक्शंस ऑफ रेगुलेटर और यू कैन नॉट आउटसोर्स द फंक्शंस ऑफ द कोर्ट टू आर्बिट्रेटर। रेगुलेशन नहीं बनाने का काम तो दे सकते आप उसको, आप उसको डिटरमाइन कमर्शियल इशू जो है वो डिटरमाइन करने के लिए दे सकते। ही कैन नॉट, अगर टैरिफ पावर का टैरिफ 5 रुपीज है तो वो 5.5 नहीं कर सकता उसको, वो सिर्फ कैलकुलेट कर देगा कितने साल तक है, कितना डिले है, कितनी पेनल्टी है, वो सब करके अवार्ड दे देगा। अब यहीं से हमारा क्वेश्चन आता है जो मैंने बोला था एंड और का। तो हमारे फंक्शंस में क्या लिखा हुआ है, फंक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन में लिखा हुआ है एडजुडिकेट अपॉन डिस्प्यूट बिटवीन लाइसेंसीज एंड जनरेटिंग कंपनीज एंड टू रेफर एनी डिस्प्यूट फॉर आर्बिट्रेशन। सो गुजरात ऊर्जा विकास निगम ने केस में और तमिलनाडु जनरेटिंग पावर में, दोनों में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये एंड नहीं, गलती से एंड लिखे, ये और होना चाहिए। बट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट वाज बीइंग मेड देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ये एंड जानबूझ के लिखा गया, और ये जानबूझ के इसलिए लिखा गया था कि जो रेगुलेटरी फंक्शंस है, व्हेनेवर अ मैटर कम्स बिफोर द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, सो जो रेगुलेटरी इशू है वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन डिसाइड कर दे, ठीक है। और उसके बाद रेगुलेटरी इशू डिसाइड करने के बाद जो कमर्शियल इशू है वो कमर्शियल इशू वो फिर दे दे आर्बिट्रेटर को रेफर कर दे, इसलिए वर्ड एंड लिखा हुआ है। सो आप देखोगे एडजुडिकेट अपॉन डिस्प्यूट बिटवीन लाइसेंसीज एंड जनरेटिंग कंपनी एंड रेफर एनी डिस्प्यूट फॉर आर्बिट्रेशन। सो ये डिवीजन करा गया हुआ है जानबूझ के। एक्चुअली अगर पूरा कमर्शियल डिस्प्यूट हो तो सीधे आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल को रेफर कर दे, अगर पूरा रेगुलेटरी डिस्प्यूट हो तो खुद के पास पावर है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के पास, जरूरत नहीं है आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल को रेफर कर। सो दिस इज वन ऑफ द थॉट प्रोसेस and this has to be again argued to take it forward. All right. So ek to ye matter aa gaya, lekin ek issue fir bhi bacha hua tha. So one issue which was remaining is that agar kisi consumer ke sath arbitration ho raha hai us case mein kya ho. So agar 5 entities, to Raj Singh Niranjan ji, you have told us an act mein likha hua hai ki generating company ya licensees ke beech mein dispute hai, गो टू इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन। लेकिन इनके बीच में डिस्प्यूट नहीं है, डिस्कॉम का डिस्प्यूट कंज्यूमर के साथ है, जनरेटिंग कंपनी का डिस्प्यूट कंज्यूमर के साथ है, किसी का डिस्प्यूट कंज्यूमर के साथ है या किसी वेंडर के साथ डिस्प्यूट है, ट्रांसमिशन कंपनी का वेंडर है, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर है, उसके साथ डिस्प्यूट है, क्या इन केसेस में कहां जाना पड़ेगा? एंड देर वॉज लिटिल कंफ्यूजन अबाउट दिस, एंड ये कंफ्यूजन अभी तक था 2019 तक। सो 2019 में वन केस वॉज डिसाइडेड एंड दैट इज कॉल्ड हिंदुस्तान जिंक वर्सेस अजमेर विद्युत वितरण निगम, जस्टिस रोहिंगटन वाज देयर, उसमें ये इशू आर्ग्यू करा गया। तो हिंदुस्तान जिंक जो है इट वाज अ ओपन एक्सेस कंज्यूमर ऑफ अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ठीक है, इट इज नॉट अ लाइसेंसी, इट इज नॉट अ जनरेटिंग कंपनी, इट इज ओनली अ ओपन एक्सेस कंज्यूमर। हिंदुस्तान जिंक वेंट टू हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट, एंड वॉन्टेड अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, इट वॉज चैलेंज्ड बाय अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। And the High Court says, हाँ, ये तो अपना जजमेंट ऑलरेडी है, गुजरात ऊर्जा विकास निगम का जजमेंट है, सो इफेक्टिवली राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन विल अपॉइंट। बट हिंदुस्तान जिंक फाइल्ड अ अपील बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हैड दीज प्री डिटरमाइंड जजेस जजमेंट्स, दो जजमेंट्स उसके पास ऑलरेडी थे, गुजरात ऊर्जा विकास निगम कंफर्म्ड बाय तमिलनाडु जनरेटिंग पावर कंपनी, और दोनों में कॉन्करेंट जजमेंट था कि इन केस ऑफ आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट इन पावर सेक्टर इट विल गो टू द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। सो इन्होंने क्या करा, इन्होंने फुल बेंच को रेफर कर दिया। मैं अब फुल बेंच क्या होती है, सो व्हेनेवर अ सिंगल जज इज सिटिंग इट इज कॉल्ड चेंबर जज, व्हेन टू जजेस आर सिटिंग एंड डिसाइडिंग अ मैटर इट इज कॉल्ड डिविजन बेंच, व्हेन थ्री जजेस आर सिटिंग एंड डिसाइडिंग द मैटर इट इज कॉल्ड फुल बेंच। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ होता है तो फुल बेंच करती है। If five judges are sitting then and deciding the matter, it is called constitutional bench, the Supreme Court की बात करो। अब जब division bench के पास ये matter गया, हिंदुस्तान zinc versus अजमेर विद्युत वितरण निगम limited, उन्होंने इसको consider करा, और consider करने के बाद ये पाया कि ये similar है उन दोनों cases के, गुजरात ऊर्जा विकास निगम में भी matter आया था और तमिलनाडु generating company में भी matter आया था, लेकिन इनको लगा इसमें कुछ ना कुछ catch है, so they said ki let us refer it to full bench, so it was referred to full bench of the supreme court, matlab teen judges ko refer kar diya gaya। in teen judges ne jab sunwai kari uski to unhone do teen cheeze aur clear kar di, aur unhone ye clear kar diya ki agar open access consumer
या किसी वेंडर या ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ डिस्प्यूट है, इन दैट केस यू हैव टू गो टू द हाई कोर्ट, नॉट टू स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन. रीजन बीइंग, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स एक्ट ओवरराइड करते हैं, पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट टॉक्स अबाउट जनरेटिंग कंपनीज एंड लाइसेंसीज. अगर इनके बीच में डिस्प्यूट है तब आप जाओगे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के पास. लेकिन अगर कोई ओपन एक्सेस कंज्यूमर है उसके साथ डिस्प्यूट है तब वहां पे नहीं जाने की जरूरत है, तब आप नॉर्मल कोर्ट में हाई कोर्ट में जाओगे. सो दिस वॉज क्लेरिफाइड इन द केस ऑफ हिंदुस्तान जिंक वर्सेस अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड. अगर आपके पास कोई ओपन एक्सेस कंज्यूमर आता है एंड दिस इज वी वांट टू गो इन फॉर आर्बिट्रेशन, देन हाई कोर्ट इज द अप्रोप्रिएट रेमेडी फॉर फाइलिंग यू नो फर्दर. लेकिन इशू ये है कि आप ये बोलोगे सर दैट्स वंडरफुल, वी हैव अंडरस्टूड की लाइसेंसीज और जनरेटिंग कंपनी के केस में हमें जाना है इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन के पास, इन केस ऑफ ओपन एक्सेस कंज्यूमर्स एंड पावर सेक्टर के बीच में डिस्प्यूट है तब हमें जाना है हाई कोर्ट के पास, हम क्लियर हो गए, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल ऐसे अपॉइंट. लेकिन सर इफ देयर इज अ अर्जेंसी एंड हमें एक स्टे ऑर्डर लेना है या इंटरिम ऑर्डर लेना है जब तक आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल नहीं बन जाता, जब आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल बन जाएगा उसके बाद सारी पावर्स स्टे देने की और वेकेट करने की सारी पावर्स चली जाती है आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के पास बिकॉज ऑफ द अमेंडमेंट इन द आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई है लेकिन हमें अपनी कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरिम मेजर्स की जरूरत है. हम क्या आंसर इज, जिन जिन स्टेट्स में वी डिस्कस्ड अबाउट स्टेट लॉस, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में इंटरिम मेजर का प्रोविजन नहीं है, रिमेंबर, ठीक है. लेकिन इन सम एक्ट, सम स्टेट एक्ट जैसे कि गुजरात, मध्य प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, इनमें इंटरिम मेजर्स के लिए प्रोवाइडेड है. सो इन दो स्टेट्स में अगर आपको इंटरिम मेजर्स चाहिए या स्टे ऑर्डर चाहिए तो यू गो टू द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन. सो गुजरात इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन और ये वाला अपना मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के पास आप चले जाओगे इंटरिम मेजर्स के लिए, स्टे ऑर्डर के लिए. You are, they are capable to give you stay order because of the state act will override arbitration. बाकी सारे states में अगर आपको interim measures चाहिए तो आप नहीं जा सकते state electricity regulatory commission के पास because they don't have powers. They don't have powers under electricity act. They don't have powers under state. So अगर हरियाणा का आपका matter है या Delhi का आपका matter है और आपको interim या stay चाहिए तो आप state electricity regulatory commission के पास नहीं जाते. आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा अंडर सेक्शन 9 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट फॉर इंटरिम, सॉरी अंडर 9 सेक्शन 9 ऑफ आर्बिट्रेशन. दिस मैटर केम अप बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ पीटीसी इंडिया वर्सेस जयप्रकाश पावर वेंचर. सो इन द केस ऑफ पीटीसी इंडिया वर्सेस जयप्रकाश पावर वेंचर सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड कि जब तक आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो जाती, इंटरिम मेजर्स अगर चाहिए, स्टे चाहिए, तो आप हाई कोर्ट के पास एप्लीकेशन डाल के एक स्टे ले सकते हो. सो इफेक्टिवली आपको दो पिटीशन डालनी पड़ेगी, आपको इंटरिम मेजर चाहिए, आपको एक पिटीशन डालनी पड़ेगी हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के पास फॉर गेटिंग अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल. सेकेंड, इंटरिम मेजर की पिटीशन आपको डालनी पड़ेगी हाई कोर्ट के पास, सो दैट इफ यू वॉन्ट इंटरिम रिलीफ, एक्चुअली इफ यू डोंट वॉन्ट देन इट इज ओके. सो दिस वॉज क्लियरिफाइड, बट देर इज एक्सेप्शन जो मैंने बताया गुजरात का और मध्य प्रदेश का एक्सेप्शन, बिकॉज उनके स्टेट एक्ट में वो पावर दी गई है. यू कैन आस्क अनदर क्वेश्चन कि सर ये राज सिंह निरंजन जी, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन का तो आपने बता दिया, अब जैसे कोरिया का केस था और जो एक्सेप्शन था वो सीएक में चले गए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिकॉग्नाइज कराया अभी तक? यूनिसिट्रल रूल्स को या परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, इसमें हमारे कोर्ट्स का क्या व्यू? पावर सेक्टर में अगर, एनर्जी सेक्टर में अगर डिस्प्यूट्स होते, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते, तो व्हाट, हाउ विल दिस मैटर, हैज नॉट कम अप बिफोर सुप्रीम कोर्ट. It has only come up before High Court of Karnataka, which is called Hassan Thermal Power versus Karnataka, State of Karnataka in 2019. So 2019 mein Karnataka High Court has decided that unilateral rules or international commercial arbitration is fully applicable for power sector also. All the procedures will be applicable for power sectors also. There is no exception. और जो bilateral treaty की जो मैंने बात करी वो भी applicable होगी, but this is not gone to the Supreme Court. Maybe जब एनफोर्समेंट होगा उसका, जो कोरिया का केस है, कोरियन कंपनी का, इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट विल फाइनली डिसाइड हाउ टू मूव फॉरवर्ड इन दोस. अब क्योंकि बिकॉज आयुषी हैज आस्क्ड फॉर रिव्यू ऑफ जजमेंट्स, तो एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है वो हाई कोर्ट का है, विच इज कॉल्ड एपी गैस पावर वर्सेज एपी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन. ये दिस इज अ वेरी डिटेल्ड जजमेंट एंड इट क्लैरिफाइज ऑल द इश्यूज एक्चुअली ऑफ दिस. दिस इज अ रीडेबल जजमेंट, सो इट इज वर्थ मेंशनिंग.